प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की और बहुत ही ज्यादा भावुक दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मैंडेट जनता ने दिया है और इस बात को लेकर वो भावुक हो गए। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने महाराजगंज से एक बार फिर जीत दर्ज की और जीत के बाद जब उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, तो उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। पंकज चौधरी जी हैं, चुनाव जीत चुके हैं, सातवीं बार महाराजगंज की रहनुमाई कर रहे हैं, जीत करके निकले हैं सर्टिफिकेट लेकर के, क्या है जानेंगे, कोशिश करेंगे। मंत्री जी, क्या प्राथमिकताएं महाराजगंज की रह गई हैं जो आपको करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं महाराजगंज की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे सातवीं बार अपना आशीर्वाद सहयोग किया और मैं जनता का ऋणी हूँ। और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सभी जनप्रतिनिधियों को और चुनाव में लगे हुए सभी कर्मियों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से इस चुनाव को संपन्न कराया है। और निश्चित तौर से एक बड़ी जिम्मेदारी महाराजगंज की जनता ने दिया है, जो अधूरे कार्य है मैं प्रयास करूंगा उसको पूरा। जीत का अंतर काफी कम रहा है, जीत का अंतर काफी कम रहा है, इसको लेकर के इस पे हम लोग बैठेंगे, समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके फिर आप प्रदेश में, देश में 400 का पार का जो नारा था वो कम हुआ है, उसको क्या वजह है? इसे बैठेंगे हम, समीक्षा करेंगे, कहाँ कमी रह गई है उसको ढूंढेंगे, आज ठीक करेंगे। सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? निश्चित तौर से। दिल्ली जाएंगे क्या? कल जाना दे। उधर आगरा लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल चुनाव जीत गए और जीत दर्ज करने के बाद एसपी सिंह बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। बातचीत करते हुए क्या कहा है वो भी देखिए। हमारे हाईकमान ने हमें टिकट दी, लड़ने लायक बनाया, तो मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे महामंत्री संगठन बी एल संतोष साहब का, यूपी के सीएम साहब, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष, यूपी के महामंत्री संगठन जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने 10 साल में मुझे 5वीं टिकट दी है। 14 लोकसभा, 17 विधानसभा, 19 लोकसभा, 22 विधानसभा और 24 लोकसभा। तो फिर मैं केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को का कारण बताऊंगा, राज्य की योजनाएं और राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सतत मेहनत, और स्वयं मैं कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग अपनी लोकसभा में रोज रहा हूं। तो आगरा की महान जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, जिन अपेक्षा उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। और इधर आजमगढ़ सीट पर एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने जीत दर्ज की और जीत के बाद धर्मेंद्र यादव भावुक हो गए। उन्होंने नेताजी को याद करते हुए कहा कि ये उनकी कर्म भूमि ना होती तो शायद लोग मुझे पहचानते भी नहीं। आजमगढ़ के लोगों के और हमारे परिवार के कितने गहरे रिश्ते हैं, कितने गहरे हैं, इसका एहसास लोगों को आज हो गया होगा। और मैं कहूँगा जो नेताजी ने रिश्ते बनाए, माननीय अखिलेश जी ने जो आगे बढ़ाए, मैं प्रयास करूंगा, हालांकि मैं बहुत छोटा हूं उम्र में, मैं कद में छोटा हूं, उम्र में छोटा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उस गंभीरता को, उस भावनाओं का मैं अच्छा सा पालन कर सकूं, ये मेरा प्रयास होगा।